पीएम मोदी बोले अब युवाओं को अपने प्रदेश में ही मिल रहा रोजगार, यह व्यापक बदलाव का क्षण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि हम पुरानी धारणाओं को बदलकर युवाओं को रोजगार सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़ा निवेश कर रहे हैं। खासतौर से देवभूमि उत्तराखंड में सड़कें बन रही हैं, रेल लाइन बिछाई जा रही है, इसे दूर सुदूर के गांवों तक आना जाना तो आसान हो ही रहा है, साथ ही बड़ी संख्या में रोजगार भी बन रहे हैं। उत्तराखंड रोजगार मेले को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं उनके लिए यह नई शुरुआत का अवसर है। इससे निश्चित रूप से आपका और आपके परिवार का जीवन बदलने वाला है। यह एक व्यापक बदलाव का माध्यम है। अपने सेवा भाव से आपको राज्य और राष्ट्र के विकास में योगदान देना है। आप इसे तो अधिकतर साथी शिक्षा के क्षेत्र में सेवा देने वाले हैं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से भारत के युवाओं को नई सदी के लिए तैयार करने का संकल्प हमने लिया है। उत्तराखंड में इस संकल्प को जमीन पर उतारने का दायित्व आप जैसे युवाओं के कंधे पर है। मोदी ने कहा केंद्र हो या उत्तराखंड की भाजपा सरकार, हमारा निरंतर प्रयास है कि युवाओं को उसकी रुचि योग्यता के अनुसार नए अवसर मिले, सभी को आगे बढ़ने का उचित माध्यम मिले। सरकारी सेवाओं में भर्तियों का यह अभियान भी इसी दिशा में उठाया गया कदम है। इसमें उत्तराखंड के जुड़ने से मुझे बेहद खुशी है। मोदी ने कहा भारत के युवाओं के लिए अद्भुत संभावनाओं का अमृतकाल है, आपको इसे अपने सेवाओं के माध्यम से निरंतर गति देनी है। इसके लिए आप सभी को शुभकामनाएं। आशा करती हूं कि आप उत्तराखंड के लोगों की उत्तम सेवा करेंगे, उत्तराखंड को उत्तम बनाने में योगदान देंगे और इससे भी हमारा देश सशक्त होगा, समर्थ होगा, समृद्ध होगा। पहाड़ की जवानी उसके काम नहीं आती वाली धारणा बदलनी होगी। मोदी ने कहा हमें उस पुरानी धारणा को बदलना है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। इसलिए केंद्र का निरंतर प्रयास रहा है कि उत्तराखंड के युवा अपने गांव की तरफ लौटे। इसके लिए पहाड़ में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बनाए जा रहे हैं। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे पर इतना निवेश हो रहा है, निर्माण के काम में श्रमिक हो, इंजीनियर हो या फिर कच्चे माल वाले उद्योग दुकानें हो, हर जगह काम के अवसर बढ़ रहे हैं।